नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने कागज सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप ग्रेड अकेडमी में, जहां पर हम आपको लेके जाएंगे जीरो टू टॉप ग्रेड तक। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गंगा नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदी कहां कहां से मिलती है, कौन कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जिनसे जो गंगा मिलके बनती है, और कहां से कौन सी नदी मिलती है और किस नदी से जो है और कौन सी नदियां जो निकलती हैं, पूरी की पूरी जो है गंगा नदी के बारे में इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पर हम कंप्लीट उनको जो है करने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेते वीडियो कर देना लाइक। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गंगा नदी हमारी जो है एक पूरी मेन नदी रहने वाली है यहाँ पर। तो जो गंगा नदी में से गंगा नदी निकलती है दो तरफ से निकलती है हमारी, एक तो दक्षिण और एक आती है हमारी उत्तर की तरफ से, एक आती है दक्षिण की तरफ से, ठीक है ना, याद रख लेना। तो हम दोनों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं उत्तर वाली नदियों के बारे में कि उत्तर की तरफ से जो है कौन कौन सी नदी हमें जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो गंगा नदी जो हमारी है नदी, तो पहली नदी हमारी आती है रामगंगा, ठीक है ना, और उसके बाद में आती है गोमती, उसके गोमती और सही जो है दोनों एक साथ मिलकर आती है, मतलब अलग अलग आती है और यहाँ पर एक जैसे मिल जाती है। इसके बाद में हमारी एक मेन नदी आती है गांगरा, जिसकी कुछ सहायक नदियां और हमारे को देखने के लिए मिल जाती है, जैसे शारदा, सरयू और राप्ती, ठीक है ना। तो ये भी जो है मिलके यहाँ पे घाघरा में मिल जाती हैं, और फिर घाघरा जो है यहाँ पर आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में है गडक नदी, गडक नदी यहाँ पर डायरेक्ट आती है, उसके बाद में कोसी, फिर उसके बाद में महानंदा नदी आके यहाँ पर मिल जाती है, और फिर गंगा नदी आगे चली जाती है। ये रही हमारी सारी की सारी उत्तर की तरफ से आने वाली नदियाँ। अब पढ़ते हैं हम दक्षिण की तरफ से, दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ जो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो पहली हमारी आती है यमुना नदी, जो कि यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ और हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, एक नहीं बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो हमारी कौन सी है, देखो पहली नदी जो हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है चंबल। अब चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे बनास और सिप्रा एंड पार्वती एंड काली सिंह, ये कुछ नदियां हमारी जो है ये चंबल में मिलती हैं, और चंबल आके हमारी यमुना नदी में मिलती है, फिर यमुना नदी हमारी जो है आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में हमारी आती है सोन, जो कि डायरेक्ट हमारी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, फिर आती है टोस जो कि गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले है हमारा यमुना रामगंगा, ठीक है ना, उसके बाद में घाघरा नदी के बारे में पूछ लिया गया, घाघरा नदी की सहायक गंगा कौन मतलब नदियाँ कौन कौन सी हैं और ये किस नदी में जाके आगे मिलती है। इसके बाद में चंबल नदी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंबल नदी की जो है कौन कौन सी जो है सहायक नदियाँ हैं और ये आगे जाके किस नदी में मिलती है। फिर देखो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो चंबल है वो गंगा नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो मिलती है यमुना नदी में, यमुना नदी जो है वो मिलती है गंगा में, ये चीज़ बिल्कुल से आपको याद रखना है। तो ये गलती मत कर देना कि चंबल जो है यहाँ पे गंगा मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है, वो मिलती है यमुना में। तो यही है सारा का सारा स्ट्रक्चर, आप जो एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल से ले लीजिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक, इसी तरह का और कंटेंट आपको चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।